स मॉड्यूल इज रिलेटेड टू द ग्लोबलाइजेशन कॉपरेशन एंड सुपरा नेशनलिज्म स्टिल वी आर डिस्कसिंग अबाउट इंटरनेशनल इंटर डिपेंडेंस एंड द डेट प्रॉब्लम फिर अब इंटरनेशनल डिपेंडेंस के ऊपर थोड़ी सी हम बात करेंगे द पैरालिटिक प्राइम मूवर जिसको हम कह सकते हैं नाइनटीन सेवेंटीज ऑन वर्ल्ड वट हैज एक्चुअली के आ ड्रिफ्ट अराइव बिटवीन लेवल ऑफ एक्टिविटी एंड एम्प्लॉयमेंट बिकॉज ऑफ इन एबिलिटी ऑफ इंडस्ट्रियल कंट्रीज टू री कंसाइल देयर इंटरनल एंड एक्सटर्नल बैलेंस एक ड्रिफ्ट क्रिएट हो गया एक इंटरनल और एक्सटर्नल बैलेंस एक्सटर्नल बैलेंस आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट है इंटरनल बैलेंस जो है वो आपका बजट बैलेंस है बजट भी बैलेंस में होना चाहिए इसका मतलब है कि जितने आप रेवेन्यू जनरेट करें उतने ही एक्सपेंसिज करें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इक्वल टू टैक्सेस और एक्सटर्नल बैलेंस जो है वो आपका शो करता है कि जितनी आपने फॉरन कमोडिटीज बाय की है उतनी ही आपने इनकम ऑन किया सेल करके तो वो बैलेंस करने आपने तो बैलेंस पेमेंट का मतलब है जितना इनफ्लो हुआ है आपके आपकी कंट्री में और जितना आउटफ्लो है वो आपस में इक्वल है तो ये दोनों रिकनसाइल होने जरूरी थे अगर एक्सटर्नल इंटरनल बैलेंस रिकनसाइल हो जाए तो फिर ये एक ड्रिफ्ट नहीं क्रिएट होता तो ड्रिफ्ट क्या हुआ कि एक्टिविटीज में और जो लेवल ऑफ एक्टिविटी थी और अनएम्प्लॉयमेंट था सॉरी एम्प्लॉयमेंट था उसके दरमियान इम्बैलेंस हो गया यानी आप समझ लें कि एक्टिविटीज कम हो गई इम्प्लॉयमेंट ज्यादा थी या एम्प्लॉयमेंट कम होगी एक्टिविटीज ज्यादा थी अब जनरली क्या होता है कि एक्टिविटी ज्यादा हो तो एम्प्लॉयमेंट तो फिर बढ़ती है तो एक्टिविटीज कम हो गई और एम्प्लॉयमेंट थे तो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट फिर अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ जाती है यानी डाउन साइजिंग की सिचुएशन बनती है तो ये एक किस्म का इम्बेलेंस क्रिएट हो गया दूसरी सिचुएशन क्या हुई कि एक लिमिट इम्पोज हो गई जो प्राइस पे करते थे इन्फ्लेशन को लो करने की भी ए, जो प्राइस पे करते हैं ना तो वो उसकी एक लिमिट होती है यानी आप क्या करते हैं कि जब आप क्या करते हैं अपनी इन्फ्लेशन को रिड्यूस करते हैं तो अगर हम एज्यूम करें जो फिलिप्स कर रिलेशनशिप है कि प्राइस और जो एम्प्लॉयमेंट है वो इन्वेस्ट रिलेटेड है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट कि अगर आप इन्फ्लेशन अलाउ करते हैं तो आप अनएम्प्लॉयमेंट कम कर सकते हैं अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट को नहीं कंट्रोल करते और इन्फ्लेशन कंट्रोल करना चाहते हैं तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी यानी दोनों एक दूसरे के साथ ट्रेड ऑफ करते हैं इनवर्स रिलेशनशिप होल्ड करते हैं अगर इसको हम मिज्यूम करते हैं कि एग्जिस्ट करता है तो इस सिचुएशन में आप एक प्राइस पे करते हैं जब हम अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस करते हैं इन टर्म्स ऑफ हाई इन्फ्लेशन और अगर आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं तो फिर प्राइस पे करते हैं इन टर्म्स ऑफ हाई अनएम्प्लॉयमेंट तो ये एक कॉस्ट बियर करनी पड़ती है सोसाइटी को तो उसकी एक लिमिट होती है ये नहीं होता कि आप अनएम्प्लॉयमेंट कंट्रोल करते करते हाइपर इन्फ्लेशन में चले जाएं बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन में चले जाए पॉसिबल पौस्ति, नहीं है या डिजायरेबल नहीं है या अगर आप इन्फ्लेशन कंट्रोल करते करते अनएम्प्लॉयमेंट को बहुत ज्यादा एस्कुलेट कर दें और वो अनसस्टेनेबल हो जाए तो ये भी पॉसिबल नहीं है तो इसलिए उसकी एक लिमिट है आप उस लिमिट को जैसे ही टच करते हैं आप वहां पे रुक जाते हैं तो इसलिए इन्फ्लेशन का प्रेशर अगर एग्जिस्ट करता है और अनएम्प्लॉयमेंट को आप मजीद इंक्रीज नहीं करना चाहते तो आप फिर इन्फ्लेशन को होने देंगे अब यहां पर जो स्कोप था न्यू इन्वेस्टमेंट का और चेंज का उसने क्या किया, किया कि अब हुआ यह था कि एनर्जी क्राइसिस क्योंकि न्यू इन्वेस्टमेंट हो रही थी और चेंज आ रही थी इकोनॉमीज में और उसकी वजह से एक यूज स्कोप था कि आप नी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप इकोनॉमीज चेंज हो रही हैं उनमें आप अपना रोल प्ले कर सकते हैं तो वहां पे एनर्जी क्राइसिस उसके साथ साथ जो फेस करना पड़ा कंट्रीज को उसने भी एक सिचुएशन क्रिएट की और क्योंकि उसके साथ साथ जो एडवांसमेंट हो रही थी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में यानी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री एडवांस कर रही है उसकी वजह से डिमांड जो थी इलेक्ट्रिसिटी की या एनर्जी की बढ़ गई और उसकी वजह से एनर्जी क्राइसिस सिचुएशन क्रिएट अब जब एनर्जी क्राइसिस है तो वाइट सेल्फ एक स्कोप क्रिएट करता है कि आप एनर्जी रिलेटेड बिजनेस एंड प्रोडक्शन साइड पे चले जाए या उसकी इंडस्ट्री को डेवलप करें अब यहां पर कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से ये एक ड्रिफ्ट जो है वो कंटिन्यू किया कि फर्म्स जो होती हैं वो कमिट हो कर लेती हैं किसी प्रोडक्ट के साथ या किसी प्रोडक्ट की मेथोडोलॉजी के साथ और उसको रिमार्केबली चेंज करना उनके लिए मुश्किल होता है यानी अगर एक कंपनी ट्रांसपोर्ट रिलेटेड हो गई है तो वो ट्रांसपोर्ट में स्पेशलाइज कर गई है तो वो ट्रांसपोर्ट की जो टेक्निक है या जो प्रोडक्ट है ट्रांसपोर्ट की वो उसमें ज्यादा लर्निंग कर गई है तो उसके लिए स्विच करना ट्रांसपोर्ट से किसी और सेक्टर में डिफिकल्ट होता है तो इसलिए ये कमिटमेंट जो होती है उसमें मूव करना ज्यादा मुश्किल हो जाता है शॉर्ट रन में खासतौर पर इवन मीडियम रन में भी ऐसा मुमकिन नहीं होता दूसरा हाईली ऑर्गेनाइज वेस्टेड इंटरेस्ट जो है वो भी डेवेल्प हो जाते हैं और वो एक जो नेसेसरी इंस्टीट्यूशनल एडजस्टमेंट या चेंज की जरूरत होती है उसको नहीं होने देते यानी हर सेक्टर में जो वेस्ट इंडस्ट्रिया के ग्रुप जो डेवलप कर जाते हैं फिर वो एक स्टेटस को वाली सिचुएशन को होल्ड करना चाहते हैं वो नहीं चाहते कि चेंज आए वो नहीं चाहते न्यू इन्वेस्टमेंट अपर्चुनिटी जैसे अगर आप सिंपल सी एग्जाम्पल ले लेंगे वाबडा पाकिस्तान में पूरी कंट्रोल करता है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को और अगर कोई और कंपनियां इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके सप्लाई डायरेक्टली करना चाहें तो वो अलाउ नहीं करेगा क्योंकि फिर उसकी मोनोपोली डिस्टर्ब हो जाएगी तो वहां पे भी स्टेक होल्डर्स या वेस्टेड इंटरेस्ट एग्जिस्ट करते होंगे तो वो नहीं अलाउ करने देंगे तो उसकी वजह से फिर प्रॉब्लम आ सकता है कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं है। दूसरी सिचुएशन ये है कि इफ मेजर इंडस्ट्रियल कंट्रीज फेल टू सस्टेन ग्रोथ तो ये एक नेगेटिव इंपैक्ट कास्ट करता है डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर और ये सिंपल नहीं होता ये कंपाउंडेड इफेक्ट आता है यानी अगर आप समझ लें कि थोड़ा सा डेवलपिंग कंट्रीज जो है जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज जो है उनमें स्लम्प आता है तो उसका ज्यादा इम्पैक्ट डेवलपिंग डेवलपिंग कंट्रीज के तो ऊपर आता है यानी आप समझ लें कि अगर वन परसेंट जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज में वन परसेंट लॉस हुआ है डिमांड का ड्यू टू स्लम्प तो मोर देन वन परसेंट लॉस हो जाएगा डेवलपिंग कंट्रीज में इन टर्म्स ऑफ द सेम डिमांड तो इसलिए जो कॉन्ट्रेक्शनी और एक्सपेंसिव पॉलिसीज का इम्पेक्ट है वो कंपाउंडिंग इफेक्ट आ रहा है वो उस जो एक्सपेक्टेशन होती है या इंटेंटिड होता है उससे चेंज हो जाता है वो इसलिए अब यह है कि जब ओवरकम करना है इन्होंने डेट बर्डन को कंट्रीज को जब ये सिचुएशन होती है तो एक किस्म का ये थ्रेट फेस कर रही होती है कि ये डेट प्रॉब्लम जो है इसका ये थ्रेट है पॉसिबल इसको किस तरह ओवरकम करना है तो लॉन्ग रन सस्टेन ग्रोथ जो होती है वो चाहिए होती है इंडस्ट्रियल कंट्रीज को लेकिन रिसेंटली इस किस्म का कोई कॉन्टेक्स्ट एविडेंस नहीं मिला कि जी लॉन्ग रन सस्टेन ग्रोथ जो है वो लाजमी तौर पर स्टेबिलाईन मैस जो है वो लें तो जो वो जो है वो ज्यादा लॉस्टिंग सोलूशन नहीं होता क्योंकि वो उनके डिक्लाइन को मजीद तेज कर देता है तो यानी यह यहां पर दो चीजें क्लियर हो गई कि एक तो जो डेट के प्रॉब्लम को इंडस्ट्रियल कंट्रीज ने ओवरकम करना है उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो एक सस्टेन लॉन्ग रन ग्रोथ जो है वो होगी तो वो सस्टेन कर सकते हैं उसके अलावा कोई हाल नहीं है वो भी हो सकते हैं और एल के लिए भी ये जरूरी नहीं है कि वो हार्श स्टेबलाइजेशन मयस लें अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए बहुत स्ट्रिक किस्म के मयस लें बल्कि वह डिफरेंट रूट और डिफरेंट स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं और इंटेंसिफाई होने से रोक सकते हैं अपनी इकोनॉमी को डिक्लाइन अपने इकोनॉमी के डिक्लाइन को परसिस्टेंट जो स्टेगनेशन है डेवलपिंग कंट्रीज की वो भी एक प्रॉब्लम है क्योंकि वो एडवर्स अफेक्ट करती है एडवांस इकोनॉमीज को यहां पे थोड़ी सी कैलकुलेशन है कि मॉर्गन गारंटी ट्रस्ट के कंपनी है उसने ये कैलकुलेशन की थी 1983 एटी थ्री में फोर्टी परसेंट ऑफ यूएस एक्सपोर्ट मार्केट जो होगी वो एल जो है ना अगर वो स्लम्प आता है तो वो फोर्टी ऑफ यूएस मार्केट जो है वो लॉस बियर करती है और ट्वेंटी एट परसेंट ओ की एक्सपोर्ट जो है वो लॉस फेस करती है आ, जो डेवलपिंग uh, कंट्रीज में uh, को जो इम्पेक्ट होता है अगर नाम आता है तो थ्री परसेंट ग्रोथ लॉस होता है डेवलपिंग कंट्रीज में और उसके नतीजे में क्या होता है कि पॉइंट एट परसेंट ओई में भी लॉस होगा उनकी ग्रोथ में भी और पॉइंट फाइव परसेंट यूएस की और पॉइंट फाइव परसेंट रिजनेबल है क्योंकि इनकी ग्रोथ रेट मार्जिनल होते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो ब्रेक डाउन हो गया था नाइनटीन में और उसने फाइनेंशियल प्रूडेंस जो है इंड्यूस किया है फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऑफ एल जो है ना और हाईली डिफ्लेशनरी पॉलिसीज ये पॉलिसीजी दो चीजें हुई कि एक तरफ तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी डेवलपिंग कंट्रीज को और दूसरी तरफ जो डिफ्लेशनरी पॉलिसीज थी वो हाईली डिफ्लेशनरी पॉलिसीज थी इन दोनों की वजह से जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम है वो पूरे का पूरा ब्रेक डाउन हो गया था अब अगर आप देखें इस टेबल में तो इस टेबल में आपको सिचुएशन नजर आएगी कि ये मेजर सेवन कंट्रीज है जिनकी ग्रोथ कंज्यूमर प्राइसेस और अनुप्लॉयमेंट वगैरह दी हुई है ये सारे का सारा एरिया उसको शो कर रहा है और ये अदर कंट्रीज हैं जिनका ये दिया हुआ है वैल्यूज जीडीपी की अब इसमें अगर आप कंपेयर करें तो डिफरेंस नजर आ जाएगा आपको कि ग्रोथ जो है जीडीपी की वो डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम में डिफरेंट रेट के साथ मूव कर रही थी जो डेवेल्प कंट्रीज है और दूसरी कंट्रीज जो है उनकी जीडीपी जो है वो भी उसी तरह उसको फॉलो कर रही थी तो ये नहीं कि ये एक इंटर डिपेंडेंस जो है वो कर एग्जिस्टकारी होती है और दोनों के दरमियान जो अगर कोई रिफ्ट जनरेट हो जाता है तो वो उसको फिलअप करना बहुत जरूरी हो जाता है